अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? आज का सीन ये है कि आज छुट्टी वाला दिन है। वैसे तो हम अपने मसले मसाइल निपटाने के लिए हफ्ता और इतवार का दिन रखते हैं। अच्छा, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं यार, अम्मी से काफी टाइम से एक कमिटमेंट हुई भी थी, अम्मी को कुछ काम है भाई घर के, तो अम्मी ने बोला कि बेटा टाइम निकालो और जरा मुझे ले चलो साथ, और मुझे कुछ जो चीजें वगैरह चाहिए वो मुझे दिलवा दो। उनके कुछ वॉशरूम रिपेयरिंग वगैरह का कुछ काम है, तो के लिए कुछ सामान चाहिए भाई। लेकिन इस वक्त गाड़ी का जो सत्यानाश हुआ है, और अच्छी बात नहीं रही कि अम्मी को इतनी गंदी गाड़ी में बिठाएंगे, तो सबसे पहले गाड़ी की जरा सर्विस करवाते हैं, थोड़ी सफाई वगैरह करवाते हैं ताकि अम्मी को भी जरा साफ गाड़ी में बिठाएं। दूसरी चीज, अबे जल्दी बोल, वो ये है आज की कि जब इन सारे कामों से फारिग हो जाएंगे तो फिर शाम को बच्चा पार्टी और बेगम को लेके कहीं निकलेंगे। ये मैं घर पे बोल कर आ गया हूँ कि आप लोग डिसाइड करो और शाम में फिर हम वैसा ही कर लेंगे। चले भाई, बस निकलते हैं गाड़ी की सर्विस करवा के अम्मी के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, गाड़ी फुल जेंगो लश्कारे मार रही है इस वक्त, और गाड़ी साफ हो गई है दोबारा गंदी होने के लिए भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह हमारे शहर कराची के हालात है, धूल मिट्टी कचरा फलाना ढमकाना, तो दोबारा गंदी ही होनी है गाड़ी। खैर, तो गाड़ी साफ साफ करवा के भाई अब अम्मी के पास जा रहा हूँ ताकि अम्मी आराम से गाड़ी में बैठे हैं। ऐसा ना होता ना कि भाई मतलब अम्मी छलांग मार के दोबारा गाड़ी से उतर जाती कि ये मुझे कहाँ कचरे में बिठा दिया। गाड़ी साफ साफ करवा ली है ताकि थोड़ा इम्प्रेशन पड़े अम्मी के ऊपर हैं। बस अब मैं जा रहा हूँ अम्मी के पास। ये एक अच्छी चीज़ नज़र आई है कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो काफ़ी अच्छी बन गई हैं भाई, वाटर पम्प साइड की, वरना यहाँ पे आना अभी ना गुजरी होता था। बहरहाल खैर, वाटर पम्प की मार्केट आ गए हैं, अब ज़रा देखना है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो कहाँ पर मिलेंगी हमें। ओहो माशाल्लाह, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, एक रोड बंद है और माशाल्लाह जबरदस्त एक ही रोड चल रहा है इस वक्त। अच्छा भाई, ये वाला हमने फाइनल किया है डिज़ाइन, रूबी कंपनी का बता रहे हैं मेरे भाई। ये हो गया, ये है वैसे तो ब्लैक में, हमने वाइट में लेना है, इस तरह का वाइट होगा, उसमें कोई 2 घंटे शायद लगेंगे तो ये घर तक पहुँचाएंगे। बाकी हमने फाइनल कर लिए हैं 2, ये वाले हमने सेट लिए हैं, ये अभी आ जाएंगे। भाई बस घर के लिए निकल रहे थे तो मैंने कहा कि ज़रा गर्म गर्म ज़रा समोसे और जलेबी लेते हुए चले जाएं यहाँ से। ये जो उस वक्त भाई टाइम है ना, ये चाय के साथ समोसे वगैरह खाने का, ये उमर भी बड़े शौक से जलेबी खाता है और हम शौक से समोसे खाते हैं। भाई असर है जी भाई, पहले मोबाइल सेट करता हूँ उसके बाद बात करते हैं। ये जो मैं छोटी मुख्तसर सी बात करने लगा हूँ, ये मैंने अभी रास्ते में भी की थी लेकिन मैं सही से कर नहीं सका। मैं कभी इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, गाड़ी यहाँ से बचाई वहाँ से बचाई, क्योंकि ट्रैफिक बड़ा होता है इस टाइम पर। तो भाई वो मुख्तसर सी बात यह है कि घर पे मेरी बात हो गई थी और हमने प्लान ये किया कि भाई हम रात का खाना बाहर खाते हैं, कोई शोशा नहीं, कोई हाई फाई नहीं, भाई देसी सा खाएंगे। और हमने प्लान ये किया कि हम कोरमा खाएंगे बाहर का, आज देह का कोरमा विद शीरमाल। मैंने एक जगह का खाया था और फरा का अभी तक ड्यू था, मैंने खिलाया ही नहीं था उसको। मैंने कहा था भाई मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्योंकि हम बड़े शौक से खाते हैं भाई देख का कुरमा, तो अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने कहा चलो आज यही कर लेते हैं, एक एक्टिविटी छोटी सी। तो बस अम्मी को चीज़ें वगैरह दे दिला के सब फारिग कर दिया था और अभी बस समोसे वगैरह लेके बस ऊपर ही जा रहा हूँ घर पर। चाय वगैरह पियेंगे, समोसा टाइम करेंगे, उसके बाद कुरमा टाइम करेंगे। तो बस मैंने कहा ये मुख्तसर सी बात है, ये गाड़ी कहीं खड़ी करके आपसे बात कर लेता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। Samosas are here and the samosa eater is also here. Kolo bhai, kolo kolo kolo. Kolo samosa bhi aaye hain, jalebi bhi aayi hai Umar ki. Assalamu alaikum. Jimma, Jimma. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Aapke liye jalebi aayi hai, samosa bhi aaya hai aapko. Papu ka jo Yes. Tell me.
पापा थोड़ा सा लेट हो गए, वहाँ ट्रैफिक बहुत था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था भाई। मैंने बता दिया है देखने वालों को कि हम कोरमा खाने के लिए जा रहे हैं आज। सही है, कोरमा खाएंगे मज़े मज़े से। पहले इसकी बात जी मैं चले जमल जी भाई। तो बस अब हम लोग तैयार हो गए हों और निकल रहे हैं अपने मिशन के ऊपर जो है कोरमा खाना। लेकिन अल्लाह करे कि भाई कोरमा मिल जाए, क्योंकि अमूमन ये चीज़ें देखी हैं कि जो इस तरह के आइटम होते हैं ना कोरमा वगैरह के जो देग वाले आइटम होते हैं ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर अभी तो 9 बज रहे हैं, कोशिश ये है कि टाइम पे पहुंच जाएं और हमें जो खाने जो चीज़ खाने के लिए सर निकल रहे हैं वो चीज़ें मिल जाए। तो बस सब तैयार शैयार हैं, आखिरी वक्त की कुछ जो तैयारियाँ होती हैं वो चल रही हैं, उसके बाद बस इस दरवाजे से निकल जाएंगे बाहर। जी भाई तो पहुंच चुके हैं, ये है भाई अलहाज अख्तर। अच्छी बात ये है कि जब गाड़ी से उतरे तो उतरने से पहले ही पूछ लिया था कि यहाँ पे कोरमा अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पता ही चला कि बिल्कुल कोरमा मिलेगा। बस अभी ऑर्डर देना है कोरमे का, उसके बाद मैं जाहिर सी बात है जब कोरमा आएगा तो फिर खा के भी आपको दिखाएंगे कैसा है। अच्छा भाई एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पर वैसे तो हम कोरमा खाने के लिए आए थे लेकिन कोरमे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और हैं, जैसे कि फ़िश है, फ़िश की बहुत सारी इकसाम है यहाँ पे भाई, फ़िश मिल सकती है, प्रॉन्स वगैरह है, फिर बारबेक्यू के आइटम है यहाँ पे, मैं भी देख रहा था कि टिक्के लग रही हैं बारबेक्यू के, बहुत सारे आइटम हैं, टिक्के वगैरह, मलाई बूटी, इस तरह की चीज़ें, कढ़ाई भी है यहाँ पर, मतलब अगर आपको चिकन कढ़ाई या कोई और सी कढ़ाई खानी है। मैं फ़िश की प्रॉन कढ़ाई भी वैसे देख रहा था कि वो भी बन रही है, तो कढ़ाई की बहुत सारी इकसाम है यहाँ पर। तो खैर खाना वाना खाया हमने पहले, बिरयानी यहाँ की मशहूर है, बिरयानी भी होती है यहाँ पर। तो लेकिन आज हम भाई स्पेशली जो गेम बनाने के लिए आए हैं और जो सीन ऑन करने के लिए आए हैं वो हम आए हैं कोरमे का। ये है भाई शीरमाल के साथ, और प्लेट व्लेट भी नहीं निकाल रहे भाई अलग से, इसमें ही डायरेक्ट खाते हैं। ये बीफ है जी। तुमने खाया? नहीं, ये है भाई बीफ। देख के कोरमे की बात होती है ना भाई, वो नॉर्मल जो पतीले में कोरमे बनते हैं वो उसमें वो बात नहीं आती, और यही मज़ा लेने के लिए हम आए थे। ये है चिकन, यस ये चिकन है। चिकन का भी टेस्ट कर लिया, बीफ का भी टेस्ट कर लिया। ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ भाई, चिकन का थोड़ा हल्का है, बीफ का जो कोरमा है वो बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो हैवी है, मतलब सीन ना, मतलब अच्छा है, बीफ का इज नाइस। तो सीन ये है कि 2 अदद पान लेकर आया हूँ उस वक्त खाने के बाद, खाना खा के वहाँ से रवाना हो गए थे, और दिल चाहता कुछ माउथ फ्रेशनर वगैरह की कोई टाइप की कोई चीज़ खाने का, हमने कहा कि पान खाते हैं। हैं भाई ये लो, ये एक फरा का पान है, एक मेरा। ये रहा खई के पान बनारस वाला, और ये फरा का पान है, टकराव टकराव वाला ये रहा। चलो अब मेरी बारी है भाई। माउथ फुल ऑफ पान, मैं पता पान कितने का हो गया, ये 2 पान 100 रुपए के हैं, 50 रुपए का एक मीठा पान, वो भी मीठा। ये मैं अभी व्लॉग बैठा एडिट कर रहा हूँ, टाइम सुबह रात के उधर तकरीबन कुछ 3:15। भाई सीन ये हुआ कि ये मैंने व्लॉग पहले ही एंड कर दिया था, और अभी मैं बैठा हूँ, मैंने वीडियो चेक की जब, तो पता ही चला कि वो वीडियो ही नहीं बनी मेरी, इतनी शक्ल आ रही है, ये सिर्फ ही पूरा सिर्फ तकरीबन चिन के ऊपर तक का रिकॉर्ड हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं इतना उछड़ा हुआ बैठा हूँ, रात का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा कि भाई दोबारा से व्लॉग को एंड करते हैं,
खैर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही वाली बात है भाई, आप लोग माशाल्लाह अच्छी बात है देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, वीडियो नहीं पसंद आ रही कोई इशू नहीं है, दूसरी वीडियोस देखें हो सकता है वो पसंद आ जाएँ और उस वीडियो पर फीडबैक देते हैं ताकि मैं अपने कॉन्टेंट को थोड़ा और बेहतर बना सकूँ, और कोई आइडियाज़ आपके पास हों कि आप जो चाहते हों कि भाई मैं किन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बनाऊं तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट के ऊपर मुझे बता सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ओवर एंड आउट।